नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किरण सार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपने चैनल में बनाने जा रही हूँ पपीते का हलवा। दोस्तों, गाजर का हलवा तो हमने बहुत खा लिया है, आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स आ रखे हैं, तो आज सोचा क्यों ना अपने चैनल में हम बनाएं पपीते का हलवा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनेगा हमारा ये हलवा। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते का हलवा। तो चलिए दोस्तों, इसे कर देते हैं पहले काटना शुरू। काटेंगे भी और इसके हम छिलके भी निकालेंगे। आजकल जो पपीते आ रहे हैं दोस्तों, वो बिना बीज के आ रहे हैं, बहुत कम इसमें बीज है, तो वो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है बनाने के लिए। दोस्तों, इसका निकाल देते हैं छिलका। ये हमने निकाल दिया इसका छिलका। दोस्तों, पपीते के अंदर जो ये जितने ही फाइबर होते हैं, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। दोस्तों, इसको हमने चॉपर में कर दिया है। अभी मैंने ये इतने ही करे, अभी और भी करूँगी। इसे बिल्कुल हमने बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें दाने अगर रह जाएं तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा भुनने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैंने गैस को कर दिया है ऑन, और चलते हैं अपनी गैस की तरफ। दोस्तों, कढ़ाई में डाल देते हैं अपना एक चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है, अब डाल देते हैं इसमें आराम से अपने पपीते को। दोस्तों, आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने इसको बारीक नहीं पीसा है, मतलब चॉप किया है, लेकिन थोड़ा सा दानेदार रखा है, ताकि हलवे में थोड़ा सा दानेदार आता है तो वो अच्छा लगता है, तो वही मैंने किया है। दो बड़े घी के चम्मच डाले हैं, जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी हमारे हलवे में। बस जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें दूध। दोस्तों, घी में थोड़ा ये भुन चुका है, अब डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध। थोड़ा यानी कि एक गिलास करीबन हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध के साथ फिर देंगे इसको पकने। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारा गाजर का हलवा बनता है, उसी प्रकार से ये भी बनेगा, लेकिन ये पपीते का है। दोस्तों, अभी ये देखिए इस कंडीशन में है, अभी हमें इसको पूरा सुखाना है। तो बस थोड़ी देर इसको, क्योंकि इसके छींटे आ रहे हैं बाहर, तो हल्का सा ढक्कन इसमें ऐसे लगा देते हैं, ताकि छींटे सब जगह ना फैलें। दोस्तों, अब देखिए, आप थोड़ा सा इसमें थिकनेस आने लग गई है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा ढीला है, हमें इसको थोड़ा और सुखाना है। अभी हम इसको और सुखाएंगे। और दोस्तों, हम इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है पपीता, तो ज़्यादा मीठा भी सही नहीं है। अगर बहुत मीठा खाते हैं आप लोग, तो आप लोग इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, एक चम्मच या सिर्फ दो चम्मच, मैं तो लेकिन बिल्कुल नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा मावा मैं अभी डाल देती हूँ इसमें। मावे के साथ इसको ऐसे ही पकाएंगे। दोस्तों, देखिए, हमारे इसको हो गए 10 मिनट दूध के साथ पकते हुए, और ये काफ़ी कम भी हो चुका है। अब ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी नीचे से हटाना है, ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे ही ये अपना और सुखड़ेगा, तो ये घी भी कढ़ाई को छोड़ देगा, और तब हम समझेंगे कि हमारा बन गया है हलवा। दोस्तों, बीच बीच में मावा मैं इसलिए डाल रही हूँ, ताकि वो अच्छे से उसके साथ मेल्ट होता रहे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें लगातार चलाना है इसको, क्योंकि इसका जो पानी है वो सूख गया है। दोस्तों, हम मीठे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं इसमें किशमिश, ताकि ये बीच बीच में थोड़ा सा किशमिश का टेस्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं, ये छोटा ही चम्मच है, इसको भी हम और डाल देंगे थोड़ा सा चूरा, ये मैं डाल देती हूँ अभी, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो अभी इसमें आ जाए। दोस्तों, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं अभी डाल देती हूँ, बाकी डालेंगे बाद में। मैंने ये काजू, बादाम और पिस्ता डाल दिया है। दोस्तों, देखिए, अब आप हमारा जो पपीते का हलवा है, वैसा रहा जैसे कि गाजर का हलवा होगा,
लेकिन ये पपीते का है और जो इसकी जो पपीते की जो थोड़ी सी डिफरेंट जो स्मेल होती है वो भी निकल गई है क्योंकि ये मावे के साथ अच्छे से पक गया है। अब हमारा हलवा कढ़ाई में नहीं लग रहा है क्योंकि जो घी है वो भी अच्छे से इसमें मिल चुका है और वो अपना पूरा रोल अदा कर चुका है। बस ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारी कढ़ाई से नहीं चिपक रहा है। थोड़ा सा इसको चलाते हुए तेज आंच में चलाना है ताकि जितना भी अगर थोड़ा सा भी कसर रह गई होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों गैस को कर देते हैं बंद। तो बन गया है मेरा पपीते का हलवा। दोस्तों थोड़ा सा डाल देते हैं अपने बादाम का चूरा। तो दोस्तों बन गया है मेरा पपीते का हलवा। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि गाजर का हलवा होगा लेकिन ये हमने बनाया है पपीते से। दोस्तों पपीता आजकल बहुत मार्केट में है और ये हमारे लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों इसका भी प्रयोग करना है कच्चा, मतलब जैसे हम काट के खाते हैं वो तो हम खाते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा आज इसका थोड़ा सा हलवा बनाया जाए। और बहुत ही ये इजी होता है, आसानी से बनने वाली चीज़ है, तो थोड़ा सा टेस्ट को डिफरेंट कर देता है और जो हमें अच्छा भी लगता है कि हमने कुछ नया बनाया। में और घी है, ड्राई फ्रूट्स है, मावा है और इसमें विदाउट शुगर है क्योंकि पपीता अपने आप में बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों मैंने मीठे को बिल्कुल अवॉइड किया है ताकि ये जो उसका फ्लेवर है वो अपना ही फ्लेवर आए और जो खुशबू आती पपीते की वो घी में भुनने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी वो कम हो जाती है। तो हमें ऐसे नहीं लगेगा कि खाने में थोड़ा सा अजीब सा भी नहीं लगेगा कि पपीता खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो मावे के साथ अच्छे से पक गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए और बनाइए, बहुत आसान रेसिपी है। और आप मेरी वैसे भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।